अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस रेड वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल वाले आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें और ऑप्शंस में जाके नोटिफिकेशन में ऑल में क्लिक कर दें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल वर्क्स। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कॉमन रेल का जो PRV है उसे आपको कैसे चेक करना है, क्योंकि ज़्यादातर गाड़ियों में प्रॉब्लम आती है कॉमन रेल में कि उसका PRV जो है वो ख़राब हो जाता है। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको आपको कैसे चेक करना है। तो इसको हम लोग मशीन पे माउंट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 2 सिलेंडर वाला पंप ताकि प्रेशर जो है वो जल्दी बिल्डअप हो जाए। कॉमन रेल में जो PRV लगा होता है ये एक तरीके से सेफ्टी वाल्व है, यानी कि आपके सिस्टम में अगर ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा तो ये प्रेशर को जो है वो रिलीज़ कर देगा। तो इसका काम बस इतना ही है, प्रेशर को बनाए रखना और उसे सही टाइम पर रिलीज़ कर देना। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इसका रिटर्न वाला पाइप। यहाँ से ही आपको दिखाएंगे कि ये रिलीज़ होने पे यहाँ से रिटर्न इसका आता है। तो रेल को जो है हमने माउंट कर दिया है, ये आप देख सकते हो। इसको आपको ऐसे माउंट करना है। ये जो इधर एक पाइप लगा है ये डायरेक्ट हमने रेल से लगाया है और रेल में इधर आप देख पा रहे हो यहाँ पे लगाया हमने इसको रेल पे, और इधर में हम इसको DRV से कंट्रोल करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं कि इसमें जो है प्रेशर हम कैसे बिल्डअप करते हैं और दिखाते हैं आपको कि इसका PRV जो है कितने में ओपन होना चाहिए। तो इधर में जो रेल है इसमें हम लोग क्लोजिंग नट लगा के रेल को क्लोज कर देंगे और फिर आपको दिखाते हैं इसको DRV से कंट्रोल करके मशीन को ऑन कर लेते हैं पहले और दिखाते हैं आपको कि इसमें जो है इस रेल में क्या प्रॉब्लम है और फिर बताते हैं आपको गाड़ी में क्या प्रॉब्लम हो रही थी। ये हमने मशीन को ऑन कर दिया है। RPM को जो है हम लोग 500 का आसपास रखते हैं। ये हमने RPM को 500 कर दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस सिस्टम में प्रेशर को बिल्डअप करके कि इसका जो PRV है वो कितने में ओपन हो रहा है। ये आप देख सकते हो अभी इसमें से कोई रिटर्न नहीं आ रहा है। ये आप देख सकते हो कोई भी रिटर्न इसमें से नहीं आ रहा। अब जो है अब हम लोग इस सिस्टम में प्रेशर बनाते हैं। अब हम लोग इसको B रेगुलेटर से कंट्रोल करेंगे। ये हमने इसको 17% पे किया। ये आप देख सकते हो प्रेशर जो है धीरे धीरे बिल्डअप होना शुरू हो गया। ये इसको जैसे जैसे बढ़ाएंगे प्रेशर जो है वो हमारा बनता चला जाएगा। ये आप देख सकती हो 26% किया या प्रेशर देख सकते हो 734-830 bar इसमें बन रहा है। ये हमने इसको 30% कर दिया और प्रेशर जो है वो 970 bar के आसपास बन गया। और ये आप देख सकते हो इधर से 970 bar के आसपास प्रेशर में ही रिटर्न जो है थोड़ा थोड़ा इसमें से आ रहा है। अब जो है प्रेशर को थोड़ा सा और हम लोग बढ़ा लेते हैं। ये जैसे हमने प्रेशर को थोड़ा सा और बढ़ाया रिटर्न आप देख सकते हो आ रहा है। इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं बना अभी तक, 1100 टू 1200 के आसपास प्रेशर बना और इसमें से रिटर्न जो है वो आना शुरू हो गया, यानी कि इसका जो PRV है वो ओपन हो गया और ये आप देख सकते हो प्रेशर जो है वो घट गया और इसमें से रिटर्न जो है काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो ये जो रेल है हमारा इसका PRV जो है जल्दी ओपन हो जा रहा है। तो इस रेल में PRV जो है वो ख़राब, जिस वजह से 1200 से ज़्यादा बार का प्रेशर जो है इसमें नहीं बन पा रहा है, ओपन हो जा रहा है। ये आप देख पा रहे हो अभी हमने प्रेशर घटा दिया और इसका जो रिटर्न है वो कम हो गया। अभी आप देख सकते हो इसको 0% पे कर दिया हमने, इसका रिटर्न जो है वो बंद हो गया। तो इस रेल में जो है हम लोग PRV को चेंज कर देंगे। इस रेल में हमें प्रॉब्लम ये मिला। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा रेल। ये आप देख सकते हो ये ओके रेल है। इसमें आपको दिखाता हूँ कि इसमें अगर PRV आपका अगर ओके होगा तो फिर प्रेशर जो है वो कितना बनना चाहिए, कितना बनेगा और PRV जो है कितने परसेंट पे ओपन होगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। इसको भी हमने सेम टू सेम वैसे ही माउंट किया है। इसको भी हम लोग रेल से कनेक्ट कर दिया है और DRV से कंट्रोल करेंगे। ये आप देख सकते हो इसमें भी हम लोग RPM को जो है वो 500 के आसपास रखेंगे। रेल का PRV अगर जल्दी ओपन हो जाए तो गाड़ी में क्या दिक्कत होती है उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो। इसका लिंक आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ज़्यादातर रेल में प्रॉब्लम जो है वो लीलैंड की गाड़ियों में ज़्यादा आती है। यह हमारा RPM जो है 500 हमने कर दिया है। ये आप देख सकते हो इसमें से रिटर्न जो है अभी नहीं आ रहा। तो अब जो है अब इसमें हम लोग प्रेशर को बिल्डअप करते हैं और देखते हैं इसका PRV जो है वो कितने पे ओपन हो रहा है। अब जो है अब हम लोग इसको 0 से बढ़ाते हैं और प्रेशर को जो है बिल्डअप करते हैं।
इसको जो है धीरे धीरे हम लोग बढ़ाएंगे, आप देखना धीरे धीरे जो है प्रेशर जो है वो हमारा बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। ये हमने इसको 22% पे किया, या आप इधर देख सकते हो कि प्रेशर जो है वो हमारा बिल्डअप हो रहा है। पिछला वाला जो रेल था वो 1200 बार प्रेशर के आसपास में ओपन हो जा रहा था, इसको हमने 34 पे किया, या आप देख सकते हो प्रेशर जो है अभी हमारा 1700 बार के आसपास बन गया, ये आप देख सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका PRB जो है वो ओपन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। अभी प्रेशर जो है वो हमारा 1700 बार के आसपास बना हुआ, और ये आप देख सकते हो इसका PRB जो है अभी भी ओपन नहीं हुआ। तो ये वाला जो रेल है ये बिल्कुल ओके है, ये आप देख सकते हो 1700 बार प्रेशर में भी इसका जो रिटर्न है वो नहीं आ रहा। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ये मैं हमने धीरे धीरे इसका प्रेशर बनाया, ये आप देख सकते हो 1800 बार प्रेशर हो गया, और उसके बाद जैसे ही इसको हमने बढ़ाया इसका PRV जो है ओपन हो गया, इधर से रिटर्न आना शुरू हो गया, और प्रेशर भी आप देख सकते हो प्रेशर जो है वो घट गया। अब दोबारा जैसे ही इसको हम ज़ीरो करेंगे PRV जो है ऑटोमेटिक रीसेट हो जाना चाहिए, यानी कि इसका जो रिटर्न आ रहा था ओपन हो गया था PRV, ये आप देख सकते हो ये बंद हो गया, यानी कि इसे जो है बंद हो जाना चाहिए जैसे ही ज़ीरो करे। तो अगर फ्यूल जो है फिर भी इसमें से आता रहे तो इसका PRV जो है वो सही नहीं होगा। दोबारा मैं आपको चेक कराता हूँ कि 1800 बार प्रेशर बनने के बाद ये जो है ओपन कैसे होता है। ये हम इसमें धीरे धीरे प्रेशर को बिल्डअप करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको जैसे हम लोग बी रेगुलेटर को बढ़ाएंगे प्रेशर जो है बनता रहेगा। ये हमने इसको अभी 1600 बार के आसपास बना लिया है, ये आप देखो 1800 बार प्रेशर बन गया। अब इसको जैसे ही बढ़ाएंगे ये आप देखो ये ओपन हो गया, प्रेशर जो है घट गया इसमें से, और ये आप देख सकते हो ये ओपन हो गया इधर, इसका रिटर्न जो है आने लगा। जैसे कि आपने देखा ये एक तरीके का सेफ्टी वाल्व है, जैसे प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये जो है ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। अगर ये PRV सिस्टम में ना लगा रहे तो फिर हमारा सिस्टम जो है फेल्योर हो जाएगा, ज़्यादा प्रेशर बनने से हमारे इंजेक्टर भी डैमेज हो जाएंगे। तो मैं आपको एक बार दोबारा इसको चेक कराता हूँ और रेल के पास दिखाता हूँ कि इसका PRV ओपन कैसे हो रहा है। इसमें हम लोग दोबारा से एक बार प्रेशर बना लेते हैं 1800 बार का, और फिर आपको ओपन करके इसको चेक कराते हैं, और दोबारा दिखाता हूँ कि PRV जो है रीसेट भी होना चाहिए इसमें। ये हमने देखो इसमें 1800 बार का प्रेशर जो है ये अब धीरे धीरे बन रहा है, ये आप देख सकते हो। और इधर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे ओपन हो रहा है, अभी भी ये ओपन नहीं हुआ है। हम जैसे इसको 1800 बार से अबव लेके जाएंगे ये आप देखो ये अब ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो गया, और फिर जैसे इसको ज़ीरो करेंगे तो ये जो है PRV क्लोज हो जाएगा। तो ऐसे जो है ये काम करना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि आपका रेल जो है वो बिल्कुल ओके है, इसमें जो है PRV जो है जल्दी ओपन नहीं हो रहा है, 1800 बार के प्रेशर के बाद ही ओपन हो रहा है, फिर भी लेकिन गाड़ी में जो है वो कोड जनरेट हो जाता है कि PRV जो है वो आपका ओपन हो रहा है। तो इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं, जैसे कि आपका IMB जो है वो अगर सही से ऑपरेट नहीं करेगा तो उससे भी प्रेशर जो है ज़्यादा बनेगा, तो PRV जो है वो हमारा ओपन हो जाएगा, उससे भी कोड जो है वो जनरेट होगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।